हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 6 कमर्शियल कम्युनिकेशन की पेपर स्टाइल के बारे में समझेंगे। मीन शॉर्ट में सीसी बोले, सीसी की पेपर स्टाइल समझेंगे। देखो, पेपर स्टाइल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जब आप पेपर स्टाइल समझोगे तो आप प्लानिंग कर पाओगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, और आप लिमिटेड पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो पेपर स्टाइल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हम पूरी पेपर स्टाइल में समझेंगे। देखो क्या आएगा, सबसे पहले पेपर स्टाइल में दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट, 50 मार्क का आएगा, दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और आपके पास चार यूनिट है। हर एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा और आपको एनी टू करने हैं। देखो समझना, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो सेक्शन वन में जो है टोटल चार क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको करने हैं, 40 मार्क कवर होंगे। अभी आएंगे कैसे, देखो यूनिट वन में जो है लेसन है, टोटल 5 लेसन है, उसमें से क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट नोट आएगा। भाई क्वेश्चन वन जो होगा वो यूनिट वन में से होगा, और उसमें आप देख सकते हो ए और बी आएगा। ए में जो होगा 5 क्वेश्चंस आएंगे, उन 5 में से आपको 4 क्वेश्चन आंसर देने हैं, और वो कितने मार्क के होंगे, 12 मार्क के। और इसके बाद बी में शॉर्ट नोट होगा, टोटल 3 शॉर्ट नोट आएंगे, उसमें से आपको एक ही शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है ना। वो एक शॉर्ट नोट कितने मार्क का होगा, 8 मार्क का। तो इस तरह 20 मार्क हुई, 12 एंड 8। ओके, तो ये क्वेश्चन वन हुआ। अभी इसी तरह क्वेश्चन टू जो है वो यूनिट टू में से आएगा, उसमें क्या है, लेटर है, और लेटर भी कौन से है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर है, ठीक है ना। तो उसमें से दो लेटर आएंगे, दो में से आपको एक ही लेटर लिखना है, और वो 20 मार्क का होगा, ठीक है। यूनिट टू में से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लेटर देखने हैं, और उस दो लेटर आएंगे, दो में से एक ही लेटर लिखना है, 20 मार्क का, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री में आप देख सकते हो यूनिट थ्री में से आएगा, उसमें क्या होगा, रिपोर्ट आएंगी, और वो भी बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस रिपोर्ट आएंगी, और वो भी दो रिपोर्ट आएंगी, दो में से आपको एक ही रिपोर्ट लिखनी है, और वो भी कितनी होगी, 20 मार्क की होगी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन थ्री आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्वेश्चन फोर जो है वो यूनिट फोर में से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन फोर जो है वो यूनिट फोर में से आएगा, और उसमें आप देख सकते हो ए और बी है, ठीक है। ए में क्या होगा, कंप्रेंशन, मतलब एक पैराग्राफ आएगा, और वो पैराग्राफ जो होगा ना शेयर मार्केट से रिलेटेड होगा, ठीक है। निफ्टी सेंसेक्स वो पूरा शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, अलग अलग शेयर्स दिए होंगे, पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को आपको समझना है, और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, कंप्रेंशन आएगा, ठीक है ना। और वो भी कितने मार्क का होगा, 12 मार्क का, शेयर मार्केट का ही पैराग्राफ होगा, ठीक है, ये है। और दूसरा बी जो होगा मैचिंग भी किससे होगी, वोकैबुलरी से, और वो 8 मार्क की होगी। तो इस तरह 20 मार्क। तो आप देख सकते हो चार क्वेश्चन दे, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री एंड क्वेश्चन फोर, हर एक 20 मार्क के हैं। तो उसमें से आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ओनली टू क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट एनी टू, चार में से दो क्वेश्चन करने हैं, ये सेक्शन वन। अभी इसी तरह सेक्शन टू में जो होंगे ना, आपको MCQs आएंगे, और वो 10 मार्क के आएंगे, और कहाँ से आएंगे, वो यूनिट वन में से आएंगे। यूनिट वन में जो लेसन है उसमें से ही MCQs आएंगे, और हो सकता है 5 MCQ आए, 5 ही आपको करने हो, एक 2 मार्क का हो, और हो सकता है 6 आए, ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 या 5 ही आएंगे, उसमें से आपको 5 MCQ करने हैं 10 मार्क के, और वो यूनिट वन में से होंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर जो आपको देखो पेपर स्टाइल पता चल गई, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर पाओगे। तो पेपर स्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पेपर स्टाइल समझ ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।